जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो, आज बात करूंगा आपसे। आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आपका टाइम कम नहीं हो रहा। वैसे तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें 400-400 मीटर का शूट बता रखे, वो सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है आपका। लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत सारे जवानों को उस ट्रिक से अगर नहीं बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं आज आपको एक नई ट्रिक बता देता हूँ जिसमें आपको क्या करना होता है। करना होता है ऐसे कि आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग के लिए आपको स्टेमिना, आपका पैरों की मजबूती और मसल्स की मजबूती होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन किस प्रकार से अपन रनिंग करेंगे, उससे आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, टाइम कम होगा। और किस प्रकार से टाइम कम होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़े बड़े जो रेसर होते हैं, जो नेशनल रेसर होते हैं, जो आपके मैराथन दौड़ते हैं या 100 मीटर स्प्रिंट मारते हैं, 200 मीटर स्प्रिंट मारते हैं, तो वो कहाँ अपना टाइम कम करते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिस करके अपना टाइम कम करते हैं, वो सारी चीज़ आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर ये पसंद आता है वीडियो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, ताकि दूसरे जवानों को भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोगों तक ये वीडियो मेरा पहुँच जाए। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले किस प्रकार से रनिंग होगी। रनर क्या करते हैं, जो बड़े बड़े रनर होते हैं, नेशनल रनर, वो क्या करते हैं, उसकी उनकी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं, सर टायर बांध के दौड़ना, ये पागलों जैसी हरकत नहीं करना है और इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करना है। इसमें क्या होता है, आपका कमर में दर्द हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी को, तो उन चीजों को ना करें, नेचुरली जो चीजें हैं उनको करें। ये टायर बांध के दौड़ना ये खाली शो और फैशन रह गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा उसका रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, आपका कमर में दर्द हो जाएगा, आपके काफ मसल्स में, थाई मसल्स में इसमें दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, उस चीज को छोड़ दीजिए। आप लगातार मेरे कहने के मुताबिक, आपको अगर इस प्रकार की रेत मिलती है, ये बारू रेत है, इसको आप ये रेत होती है, अगर आपको कहीं अगर ये रेत मिल रही है, ज्यादा नहीं मिल रही, कम मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। आपको ग्रामीण क्षेत्र में अगर कहीं खेत मिल रहा है, आसानी से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तैयारी करते हैं, सिटी के बच्चे बहुत कम तैयारी करते हैं, क्योंकि वो फोर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, उनको आसानी से गाँव में इस प्रकार की खेती की जमीन मिल जाएगी, खाली जमीन मिल जाएगी, उस जमीन के अंदर में क्या करें, उस मिट्टी के अंदर में आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों, उस मिट्टी के अंदर या इस रेती के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली की डेली, तो आपकी मसल्स जो है, काफ मसल्स, थाई मसल्स, सिन पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर नहीं होगी। आप बढ़िया से आपका स्टेमिना बनेगा, आपकी नसें मजबूत हो जाएगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी, आपकी थाई मसल्स मजबूत होगी। और ज्यादा से ज्यादा चढ़ाई का इस्तेमाल करिए आप, चढ़ाई में, जैसे चढ़ाई में अगर रेत बनी हुई है तो रेत चढ़ाई के ऊपर आप दौड़िए, उसमें हो सकता है टीला बना हुआ है, कोई खेत ऐसा अप डाउन में है, उसके ऊपर ऊपर जाइए फिर नीचे आइए। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्त बहुत बढ़िया, आपका टाइम इंप्रूवमेंट हो सकता है। आप कंटिन्यू 20 दिन 10 दिन लगातार 10 दिन अगर उस रेत में आप प्रैक्टिस करके अगर आप रोड पे दौड़ने के लिए आएंगे, तो दोस्त गारंटी लेता हूं आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा और बढ़िया से आसानी से आप रनिंग क्लियर कर पाएंगे। और जो टाइमिंग आपका उस रेत के अंदर आ रहा है, मान लो उस रेत के अंदर आपका 8 मिनट टाइमिंग आ रहा है, अगर आप इधर आके दौड़ोगे तो आपका टाइम 5 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर उसको डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस में शामिल रखा और लगातार अगर आप करते रहे, तो आपका टाइमिंग 4:30 से लेके 4:50 के बीच में निश्चित आएगा, अगर लगातार आपने एक महीना प्रैक्टिस कर ली। तो दोस्त, मैंने आज ये बता दिया आपको किस प्रकार से रनिंग करनी है। आप इस प्रकार की रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीन के अंदर जो मिट्टी है उस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अप डाउन चढ़ाई होती है, चढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्त, यही आप ध्यान दीजिए, इसमें आपका ना तो सिन पेन होगा, ना दर्द होगा, और उस प्रकार से आपकी नसें जो उस रूटीन में अगर आ गई एक बार, और आपकी मसल्स, आपकी काफ मसल्स, थाई मसल्स, ये सारी मसल्स अगर एक बार मजबूत हो गई, तो आपको दोस्त चाहे रोड पे दौड़ाओ, चाहे कहीं भी दौड़ाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप रनिंग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम्म।